उसमें एरर आ रहा था। उस एरर का रीज़न ये था कि हमने जो सर्विस वर्कर की फ़ाइल डाउनलोड की थी ना, उसके अंदर एक जगह पे टू डू लगा हुआ था, और वो टू डू कहाँ पे था, वो यहाँ पे था, ये रहा ऑफलाइन पेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू डू रिप्लेस दिस नेम डॉट HTML। वो कह रहा था कि एक आप पेज बनाओ जो ऑफलाइन का पेज हो, कि जब यूज़र ऑफलाइन हो ना तो वो पेज खुल जाए, बाकी सारे पेज नज़र ना आए। तो ये आपने ज़ाहिर है इस नाम का एक पेज बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उस पेज का नाम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। तो हम एक काम करते हैं, जो हम दोबारा से चलते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे, और उसी प्लेटफॉर्म पे जाके जो है ना, हम दोबारा से क्या था वो pwabuilder.com, अच्छा, और सर्च पे हमने इसको डिप्लॉय किया था ना, क्या उसका URL था सर्च पे जो डिप्लॉय किया था, क्या था, याद है किसी को वो URL? एकोस्टिक रेस्ट, ये वाला था, हाँ यही था, हाँ यही वाला था, सही है। एकोस्टिक रेस्ट डॉट सर्च को मैं इधर चलाता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास वो एनालिसिस खुल गया इसका, और मैं जनरेट सर्विस वर्कर खोलता हूँ, और ये वो वाला आ गया जहाँ पर हम पहले थे। तो आप नोट करें, यहाँ पे इसने इस फाइल में ना टू डू एक लगाकर बताया हुआ कि रिप्लेस द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑफलाइन फॉल बैक पेज। फॉल बैक पेज किस चीज़ को कहते हैं हम? फॉल बैक उसको कहते हैं कि अगर एक्चुअल जगह पे वो जाना चाह रहा हो, वहाँ पे ना जा पाए, तो वो आके इधर गिरे। जैसे प्रोफाइल फ़ोटो होती है ना, तो प्रोफाइल फ़ोटो का एक फॉल बैक होता है कि अगर बंदे ने फेसबुक पे साइन अप किया और फ़ोटो नहीं लगाई उसने अपनी, तो क्या दिखता है उसकी जगह पे? एक शैडो सा बंदा दिखता है, सही है। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉल बैक प्रोफाइल फ़ोटो। तो फॉल बैक का मतलब होता है कि एक्चुअल जहाँ जगह पर जाना चाह रहा है, वहाँ अगर ना जा पाए या वो काम ना हो पाए, तो कुछ ना कुछ उसकी जगह दिखाना है, तो वही होगा, ठीक है। तो फॉल बैक पेज का मतलब है कि जो पेज ओपन करना चाह रहा है बंदा, वो अगर ओपन ना कर पाए तो उसको ऑफलाइन का पेज दिखा दें। तो इस वाले सर्विस वर्कर में एक्चुअली होने क्या वाला है कि जब बंदा ऑफलाइन होगा ना, तो वो ऐप को यूज़ नहीं कर पाएगा, वो बस ऑफलाइन का पेज दिखता रहेगा उसको, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कोड है तमाम का तमाम, वो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके इसको, यार ये कैसे होगा कॉपी, डाउनलोड का बटन दबा देता हूँ यार, छोड़ो, कॉपी वॉपी कौन करेगा। हाँ बोलो, बाकी दो क्या, ये मैंने ना pwa.sw करके इसको डाउनलोड कर लिया, सही है। और पुराना वाला जो सर्विस वर्कर था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ, उसी को मॉडिफाई कर सकता था, मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो पीछे से ना कनेक्शन बन जाए कि अच्छा यार ये डाउनलोड हुआ है और अटैच हुआ है, दैट्स इट, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुई, मैं इसलिए उसको डिलीट किया मैंने पुराने वाले को ना। तो मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, sw.js कर देता हूँ, राइट, ठीक है, serviceworker.js। अब इस serviceworker.js को अगर मैं शुरू से स्टडी करना शुरू करूँ, तो मुझे फ़ौरन वो टू डू वाला यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसी को लगाता हूँ, लेकिन ये वाला सर्विस वर्कर हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफलाइन में ये क्या करता है, ऑफलाइन का पेज दिखा देता है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि offline.html, राइट, और offline.html बोलने के बाद मैं क्या करूँगा इसके साथ, फिर मैं इसके साथ ये करूँगा कि index.html में जाकर, इंडेक्स कह रहा हूँ, इसी फोल्डर में रहते हुए, पब्लिक के फोल्डर में मुझे ये फाइल बनानी भी पड़ेगी, offline.html, राइट, ऑफलाइन में एक एफ लगाया मैंने, offline.html, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, H1 में कुछ लिख देता हूँ कि भाई यू आर ऑफलाइन, सही है, इस तरह करके लिखा हुआ आ जाएगा यू आर ऑफलाइन, जैसे GitHub में समटाइम लिखा हुआ आ जाता है कि यू आर ऑफलाइन, नहीं GitHub में नहीं आता, ठीक है। तो ये मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये पेज उसको नहीं मिलेगा, वो एरर देता रहेगा। अच्छा, तो नंबर एक बात तो ये हो गई। अच्छा, नंबर टू जो हम मिस्टेक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि index.html के अंदर ना
ये जो आपका कनेक्ट हुआ हुआ है, ये जो कनेक्ट हुआ हुआ है आपका क्या कहते हैं स्क्रिप्ट, इसको हमने ये करना था कि ऐसे करके ना पब्लिक यूआरएल और स्लैश करके लगाना था, राइट। अच्छा, ये मैनिफेस्ट को भी पहले मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया था, बाद में मैंने इसको चेंज किया शायद, तो ये भी नोट कीजिएगा कि मैनिफेस्ट कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है। शुरू में ये पब्लिक यूआरएल करके कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, क्योंकि रिएक्ट का आपको पता है ये वाली फाइल डायरेक्ट रन नहीं होती है, ये बिल्ड होता है और बिल्ड होने के बाद ये रन होता है। तो आप किसी भी नेस्टेड फोल्डर में हैं तो आप ये बात लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को समझ जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने ये वाली बात लिखनी है और स्लैश करके sw.js लगाना है कि भाई पब्लिक यूआरएल जो भी है ना उस पे स्लैश लगा के sw.js, अदरवाइज ये इसको लोड नहीं कर पाएगा। वेल, अगर आप इसको ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी रूट फोल्डर पे खड़े हैं, ठीक है, नेस्टेड वेस्टेड का कोई चक्कर नहीं है। तो इसको ना भी लगाएं तो आप ये अभी फ़िलहाल सही काम करेगा, लेकिन अगर सम टाइम वो काम ना करे तो आप वो लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई, हमने इसको वो पेज दे दिया जो हम नहीं दे रहे थे लास्ट टाइम। और अब हमने क्या करना है, हमने कह रहे हैं npm रन बिल्ड। अच्छा, मैं उस फोल्डर में मौजूद नहीं हूँ इसलिए एरर दे रहा है। cd5 टैब, cd6 टैब, cd वेब टैब, npm रन बिल्ड। क्योंकि हम ये बात जानते हैं जब तक हम npm रन बिल्ड नहीं करेंगे इन किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट बिल्ड के फोल्डर में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सर्च पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, सर्च पे डिप्लॉय करना है हमने। ये पूछ रहा है कौन सा है, मैंने कहा बिल्ड का फोल्डर है। और यूआरएल मुझसे जब ये पूछेगा तो मैं यही वाला यूआरएल इसको पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे बता दूंगा। सही है, एकोस्टिक रेस्ट डॉट सर्च। हाँ, किस पे? विंडो पे चलता है, इंस्टॉल नहीं किया होगा तुमने। सर्च को पहले जैसे नेटलीफाई को इंस्टॉल करते हो वैसे करना होता है। ठीक है, npm i सर्च माइनस जी, ठीक है, ऐसे करके लिखना होता है। npm i माइनस जी पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, सर्च। ठीक है, मेरे केस में मुझे इसमें सूडो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। हाँ, सर्च भी है, नेटलीफाई भी है, फायरबेस होस्टिंग भी है, ये सारी एक ही आइटम है असल में, कोई लिमिट नहीं है इसकी। नहीं, इसकी लिमिट ये है कि जब आप इसको होस्ट करते हैं ना तो ये कुछ कुछ अरसे बाद ये खुद ही उसको डिलीट कर देता है, इसकी ये लिमिट है। सही है, ये देखो क्या लिखा है इसने, 152 डेज। इसका कुछ इस तरह का कुछ चक्कर है कि पता नहीं 152 डेज क्या लिखा है इसने। वेल, कुछ कुछ ना कुछ लिमिट होती है, तुम्हें पता है क्लाउड में फ्री कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे हो? PWA में क्या पेमेंट? नहीं नहीं PWA तो आपका HTML का कोड है एक्चुअली, वो HTML में इजाफी एक कोड ऐड कर रहा है। HTML और JavaScript के असल में आपके यू नो कोडिंग है ये PWA, दैट्स ऑल। हाँ, PWA पे अगर आप नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं तो उसमें जाहिर है जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप पे करना पड़ सकता है आपको। अच्छा जी, तो ये हमने दोबारा से होस्ट किया उसको, और दोबारा से होस्ट करके इसको मैं अब एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड करता हूँ। सही है। अच्छा, ये पहले से इसमें बना हुआ आ रहा है डाउनलोड का बटन, वो इस वजह से आ रहा है कि ना मैंने, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, अनरजिस्टर कर देता हूँ। अनरजिस्टर करके ना अनरजिस्टर कर दिया मैंने मैनिफेस्ट को भी मैंने। अच्छा, मैनिफेस्ट का तो मसला वैसे भी नहीं था ना। और अब मैं इसको क्या करूँगा, एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड। ठीक है, तो अब की बार जो सर्विस वर्कर यहाँ पर आया है मेरे पास उसमें कोई एरर शो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कैसे हुआ ये, इसमें कोई एरर शो नहीं हो रहा मेरे पास। ठीक है, और कॉन्सोल पे कुछ एरर आया, ये तो पता नहीं हर चीज़ पे ही आ रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ है मेरे पास। ये एरर तुम लोगों के पास नहीं आ रहा होगा आई थिंक, ये मेरे पास कोई भी ऐप खोल रहा हूँ ना उसमें आ रहा है, शायद ये कोई एक्सटेंशन वगैरह है उससे ही आ रहा है ना।
कोई एक्सटेंशन ऐसी डली हुई है जिसकी वजह से ये आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इससे आ रहा है। हाँ नहीं ये ना इसके ऊपर ही आ रहा है। हाँ देखा इसको खोलते ही दोबारा आया है ये सिमिलर वेब करके जो है ना कोई वो है। अच्छा अच्छा ये सिमिलर वेब करके मेरे पास एक कुछ मुन्ना था जो कि डिस्कनेक्ट हो गया है। मोर इनसाइट्स वी आर सॉरी बट वी आर करंटली लैक ऑफ सफिशियंट डेटा टू शो दिस 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 ओके चल भाई हो गया अभी आगे। ये वाला एरर इसमें आ रहा है अगर मैं इसको खोलता हूँ नहीं सफारी में खोलता हूँ उसको। पहले मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट अच्छा इंस्पेक्ट एलिमेंट पहले नहीं खुले हुए इसमें। अब देखो ना ये अलग अलग नए नए इनके इंस्पेक्ट एलिमेंट पेज खुलने के बाद खुलेगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्सोल पे जाता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है इवन दो इसको मैं रीलोड करता हूँ जब भी नहीं है सही है कोई एरर नहीं है। और इसमें इंस्टॉल विंस्टॉल का बटन भी नहीं आ रहा क्योंकि सफारी इसको सपोर्ट नहीं करता शायद अभी तक सफारी ना इसको सपोर्ट वपोर्ट नहीं है। अच्छा नहीं आ रहा है यार इसमें भी छोटा सा प्लस आ रहा है नहीं ये प्लस तो ऐड पेजेस टू रीडिंग लिस्ट है ये वो चीज़ नहीं है पी डब्ल्यू ए वाला नहीं है। वेल तो पी डब्ल्यू ए को ये लोग सपोर्ट नहीं करते ना। हाँ इंस्टॉल हो जाता है अभी मैं इसको प्रेस करूँगा ना इंस्टॉल को तो ये देखो ये आ गया ना इंस्टॉल ऐप और इंस्टॉल का बटन जैसे ही मैं दबाऊँगा तो ये मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया। और इसका जो नाम है ना अब इसी नाम से मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन भी होगा ठीक है ये ओपन हुआ है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। और देखो मैं लिखूँगा ना ई कॉम जैसे मैं सारी चीज़ें खोलता हूँ ऐसे ही इसको मैं खोल सकता हूँ चलेगा ये सही है चल रहा है। प्रोडक्ट लिखूँगा प्रोडक्ट ऐड भी होगी जो जो चीज़ें होती हैं ना वो सब होगा ठीक है। वो लोकल सर्वर था अभी वो कनेक्टेड नहीं है इस वजह से खैर ऐड नहीं होगा लेकिन वो चलेगा ठीक है। तो पोटेंशियल इसका क्या हो गया हमारा पी डब्ल्यू ए का कि ये हर प्लेटफॉर्म पे इसको मैं डिलीट करूँगा तो वापस डिलीट हो जाएगा। अच्छा ये मेरे पास कुछ पहले से पी डब्ल्यू ए मौजूद है aliftech.com ये कुछ शायद मैंने प्रैक्टिस की होगी हॉप स्कॉच करके एक ऐप है ट्विटर की ऐप है ये पी डब्ल्यू एज है सारे ये गूगल क्रोम के डोमेन के अंदर ऐड हो रहा होता है सब कुछ। वेल तो हमने देखा कि ये वाला केस आ गया अब हम इसको क्या करते हैं अच्छा ये क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है ना तो ये अभी इसी पे ही खोल रहा है सही है जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ये यहाँ लेकर आ जाता है। इसको मैं अनइंस्टॉल कैसे करूँगा आया था यहाँ पे आया था ये रहा अनइंस्टॉल ई कॉम सही है ऑल्सो क्लियर द डेटा फ्रॉम क्रोम ठीक है। तो मैंने फिलहाल के लिए इसको अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर इसको ओपन करना चाह रहा हूँ ठीक है। अच्छा अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया मैं गूगल इसका नेटवर्क खोला मैंने अब नेटवर्क खोलने के बाद ना मैं क्या करूँगा इसको मैं एम टी केशे हार्ड रीलोड करूँगा तो अब इसमें कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो 404 आ रहा हो। पहले यहाँ पे एक पेज 404 आ रहा था वो टू डू वाला जो पेज था वो हमने देखा भी था। अच्छा ये खुल गया सारा कुछ यहाँ पर अब जैसे ही मैं इंस्टॉल का बटन प्रेस करता हूँ ना तो ये देखो सारी इसने वो जो इमेजेस वगैरह ना आइकन वाइकन वो सब इसने लोड किया है ठीक है। और वो सब कुछ लोड करने के बाद मुझे इसने ये डायलॉग बॉक्स दिखाया छोटा सा कि इंस्टॉल करना है कि नहीं करना ठीक है आइकन इसने अलग से उठाया। अच्छा अब क्या होता है कि अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ इसको मैंने क्लियर किया रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते वक्त ये क्या करता है तमाम पेजेस को लोड करता है दोबारा से। अच्छा अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या ये इसी तरह काम करेगा क्योंकि पी डब्ल्यू ए में तो इसी तरह काम करना चाहिए उसको ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इंटरनेट नेटवर्क में आके ये थ्रॉटलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ऑफलाइन ठीक है ऑफलाइन कर दिया मैंने इसको क्लियर किया अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये ऑफलाइन का पेज इसने दिखा दिया मैं इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकता ये ऑफलाइन के पेज पर ही खड़ा रहेगा रिफ्रेश जितना मर्जी करता रहूँ मैं ये ऑफलाइन का पेज दिखाता रहेगा मुझे। नहीं नहीं ये वाला जो सर्विस वर्कर है ना तीन है इसमें
पहला ऑफलाइन पेज का मतलब है वो एक पेज दिखा देगा ऑफलाइन, दैट्स इट, आपको रोक देगा, ऐप को यूज़ करने से रोक देगा। सही है, तो ये है ही इसी वाला। कुछ ऐप्स होती हैं जो डायरेक्टली इंटरनेट से उसका ताल्लुक होता है, जैसे अटेंडेंस ऐप है। अब अटेंडेंस ऐप में जैसे ही स्कैन होगा कार्ड, अभी जो आप लोग बना रहे थे, तो जैसे ही कार्ड ट्रीट करके स्कैन होगा वो सीधा डेटाबेस में जाना चाहिए। अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो गया वो, तो उसको रोक देना चाहिए ना, फिर हर चीज़ रोक देनी चाहिए। तो ये उस केस के लिए बना हुआ है, ठीक है। facebook.com है, अब उसमें आप कुछ लिख के सर्च करते हैं जब, तो अगर वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट है तो वो क्या दिखाएगा आपको, समझ रहे हो? तो यू आर ऑफलाइन वाला पेज उसके लिए प्रॉपरिएट है। दोबारा से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे प्रॉपर जो पेज था वो मुझे दिखा दिया इसने, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है हमारे पास। अब एक दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये क्या कह रहा है कि डाउनलोड वन ऑफ आवर प्री, नहीं यार, हाँ अब खुला, सही है, ऑफलाइन पेज कॉपी ऑफ पेजेस। सही है कि इसमें ऑफलाइन पेज भी होगा और आपके पेज के कॉपी भी रखेगा ये। अ सॉल्यूशन दैट एक्सपेंड द ऑफलाइन कैपेबिलिटी ऑफ योर ऐप, अ कॉपी ऑफ ईच पेज इज स्टोर्ड इन द केशे एज योर विजिटर व्यू देम। कह रहा है जैसे जैसे आपका बंदा एक एक पेज पे जाता जाएगा ना, वैसे वैसे उसको ये केशे में डालता जाएगा। दिस अलाउ अ विजिटर टू लोड एनी प्रीवियसली व्यू पेज वाइल दे आर ऑफलाइन। कि जब वो ऑफलाइन हो जाएगा ना, तो सिर्फ वो पेजेस जो पहले खोल चुका है वो पेजेस वो देख सकेगा। अदरवाइज कोई ऐसा पेज अगर उसने पहले नहीं देखा तो उस पर ऑफलाइन वाला पेज नजर आ जाएगा फिर उसको, ठीक है। तो एक ये वाला है, इसको भी चला के देख लेते हैं हम। सही है, इसको हम चला के कैसे देखेंगे, हम यहाँ से इसको नीचे लेकर जाएंगे। अच्छा, ये काफ़ी छोटा सा है ना, चुन्ना मुन्ना सा है इसकी जो फाइल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके जो हमारा सर्विस वर्कर डॉट जे एस है इससे उसको रिप्लेस कर देता हूँ। सही है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा से इसको मैं बिल्ड चलाता हूँ। अच्छा, दो कमांड ना एक साथ चलानी है तो ऐसे चला सकते हैं आप, npm run build end end दो दफ़ा, और उसके बाद कोई दूसरी कमांड। सही है, ऐसे चला सकते हैं हम दो कमांड एक साथ। अच्छा, तीसरा वाला जो है वो क्या है, उसको भी ज़रा गौर से देख लेते हैं। ये है ऑफलाइन कॉपी विद बैकअप ऑफलाइन पेजेस, अ कॉपी ऑफ ईच पेज इज स्टोर्ड इन केशे एज योर विजिटर व्यू देम, दिस अलाउ अ विजिटर टू लोड एनी प्रीवियसली व्यूड, वो पहले जो हो चुका है। दिस देन ऐड द ऑफलाइन पेज दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज द मैसेज एंड एक्सपीरियंस इफ द ऐप इज ऑफलाइन एंड द पेज इज नॉट इन द केशे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है कोई के आप अपने जो ऑफलाइन पेज को शायद डायनेमिकली इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें तीनों कैपेबिलिटीज हैं, जो शुरू के दो वाले हैं ना उनकी दोनों की कैपेबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। ऑफलाइन का इसमें आपको लिंक भी देना है और कॉपी भी बनाएगा वो, और ये इसने ना एक पूरी लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है कि जब पेज फेच किया जाए और फेच करने के दौरान अगर कुछ एरर आ जाए, सही है, तो उसको लेकर ये रिस्पॉन्स करेगा कि भाई आप ऑफलाइन हो या नहीं हो, वो डिसाइड करेगा ये यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये सर्च इसको हम डिप्लॉय करने लगे थे, बिल्ड, और यूआरएल हमारी ऐप का क्या है, ये हमारी ऐप का यूआरएल है, ये मैंने पेस्ट किया ताकि ये दोबारा से डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, ये डिप्लॉय हो चुका है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा,
इसको चेक करने के लिए मैं सर्विस वर्कर को अनरजिस्टर करूँगा, सही है, और इसको एम्प्टी कैशन हार्ड रीलोड दोबारा से करूँगा। अब मैंने सर्विस वर्कर कौन सा लगाया है, ऑफलाइन पेज वाला नहीं लगाया है, कॉपी वाला लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया जी, मेरे पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है, नेटवर्क पे जाता हूँ मैं, जब इंस्टॉल का बटन दबाऊँगा तो वो चीज़ें लोड करेगा, आइकन वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे क्या चेक करना है कि मेरे पास जो ऑफलाइन कैपेबिलिटी है वो कैसा काम कर रही है। तो इसके लिए मैं ये करने लगा हूँ कि थ्रॉटलिंग पे जाके इसको मैं ऑफलाइन कर दूँगा, और ऑफलाइन करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा जब, तो ये मुझे वो पेज दिखा रहा है। दोबारा से इंटरनेट से लोड नहीं कर पाया लेकिन स्टिल मुझे वो पेज दिखा रहा है ये, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कुछ लिख के एंटर करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी प्राइस लिखी और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा और सबमिट का बटन प्रेस किया, तो ये फेल होता रहेगा। ज़ाहिर है इंटरनेट तो डिस्कनेक्ट है, जब इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट मैं भेजूँगा तो ये फेल होगा और आपका जो भी एरर का मैसेज स्क्रीन पे आता है वो आता रहेगा। अब हम जो तीसरा वाला सर्विस वर्कर है इनका, वो ज़रा आप देख लेते हैं लगा के कि वो कैसे बिहेव करता है इस मामले में, ठीक है। इंस्टॉल का बटन तो तीनों में सेम है, वो तो ठीक है। ये मैंने तीसरा वाला सर्विस वर्कर इनका कॉपी कर लिया, और अब मैं इसको पूरे को हटा के ये तीसरा वाला सर्विस वर्कर लगाने जा रहा हूँ, जिसमें ये ऑफलाइन की ना पूरी इन्होंने वो लिखा हुआ है कि कोई भी फेच की कोई भी रिक्वेस्ट निकलेगी ना ब्राउज़र से बाहर, तो उस पर ये एक्टिवेट होगा और ये पूरा चल रहा होगा उसके ऊपर। और इसमें ऑफलाइन पेज का मुझे लिंक भी देना है, जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ offline.html के नाम से, तो मैं वो भी यहाँ पे दे देता हूँ offline.html, ठीक है। और मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, npm run build और प्लस सर्च पर डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ, और फिर इसमें देखते हैं कि तीसरे वाले पे वो हमें क्या एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है। तो वो तीन उन्होंने स्टैंडर्ड बना कर रखे हैं। अच्छा, फिर ये तीनों जब हम कर लेंगे ना, फिर उसको लाइन बाय लाइन ज़रा समझने की भी कोशिश करेंगे कि वो कैसे इसको कर रहे हैं, ताकि हमें अगर उसको कस्टमाइज़ करना पड़े तो वो भी हम कर पाएँ। ठीक है जी, ये पब्लिश हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थ्रॉटलिंग को हटा के एप्लीकेशन में गया, इसके सर्विस वर्कर को अनरजिस्टर किया, ख़त्म किया, और एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड कर दिया, ताकि तमाम चीज़ों को भूल के नए सिरे से उठाएंगे। ठीक है जी, ये मेरा सर्विस वर्कर आ चुका है और इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नेटवर्क में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर offline.html को देखें, इसने लोड किया है बकायदा, सही है, offline.html। अगर मैं वो पेज नहीं लगाता तो ये 404 हो जाता, और 404 अगर कोई भी पेज होता है ना इस लेवल पे, कोई भी पेज अगर 404 होता है तो आपका PWA काम ही नहीं करेगा, ठीक है, जो कि लास्ट क्लास में हमारे साथ ये हो रहा था। अच्छा, तो ये लोड हो गया जी, इसको मैंने एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड कर दिया, सारी पुरानी चीज़ें ये भूल चुका है। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफलाइन करता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन करने के बाद अब मैं इसको कॉन्सोल और नेटवर्क दोनों को क्लियर करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ये। ऐसा क्यों हुआ, सर्विस वर्कर में कोई एरर आ गया, सर्विस वर्कर में कोई एरर आ गया, अपडेट ऑन रीलोड, अच्छा ये दोबारा से जो है वो सर्विस वर्कर हमारा क्या हुआ है, सर्विस वर्कर तो हमारा सही चल रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करके अब दोबारा से ऑफलाइन करता हूँ, और ऑफलाइन करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ऑफलाइन करके रिफ्रेश करते ही इसमें बहुत सारे एरर आ जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा हम अपने सर्विस वर्कर की फ़ाइल को देख लेते हैं कि उसमें कोई ऐसा टू डू तो नहीं लगा हुआ जो हमने मिस कर दिया है। offline.html तो सही चल रहा है,
अच्छा हम ना इसको ज़रा लाइन बाय लाइन थोड़ा हम समझ भी लेते हैं कि इसमें जो चीज़ें हो रही है ना वो एक्चुअली हो क्या रही है। अच्छा सबसे पहले इसने देखे केशे करके ना एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्टेंट। अच्छा ये जो केशे है ना इसका ये एक नाम है जो जिस नाम के अम्ब्रेला के अंदर ना ये सब चीज़ों को स्टोर कर रहा होगा ब्राउज़र के केशे में, राइट। अच्छा उसके बाद इम्पोर्ट स्क्रिप्ट का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल में हम दूसरी फाइल को इम्पोर्ट करते हैं ना। एक तो इम्पोर्ट है नॉट जे एस में जो हम करते हैं कि इम्पोर्ट फला फला फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, वो तो है कौन सा वाला कॉमन जे एस वाला, बल्कि अब उसका नाम नॉड्यूल जे एस हो गया जो बिल्कुल नया है। ये इम्पोर्ट ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट का इम्पोर्ट है, सही है। ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट में भी इम्पोर्ट अब इंट्रोड्यूस हो गया और वो इस तरह से लिखा जाता है इम्पोर्ट स्क्रिप्ट और उसके बाद स्क्रिप्ट का ये जे एस की पूरी फाइल का लिंक। तो इसका मतलब है ये जे एस की फाइल कहीं क्लाउड से उठ के आ रही है, कहीं इंटरनेट से उठ कर आ रही है और यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। फिर एक ऑफलाइन पेज का मुझसे नाम पूछा इसने, तो मैंने कहा भाई ऑफलाइन डॉट एच टी एम एल। अच्छा अब देखो सबसे पहला क्या है, सेल्फ डॉट एड इवेंट लिसनर डॉट मैसेज, ठीक है। अब ये मैसेज क्या चीज़ है कोई बता सकता है, किसी ने कोशिश की इसको पढ़ने की? इफ अब इस पे इसने इवेंट मिला है इसको कोई मैसेज का, इवेंट लिसनर्स इवेंट अकर होना ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के टाइम पर। अब इस इवेंट के अंदर इसको डेटा मिलता है एंड इवेंट डेटा डॉट टाइप अगर जो है ना इसकी स्किप वेटिंग है तो ये कहता है कि सेल्फ डॉट स्किप वेटिंग। अब ये कौन मुझे बताएगा ये मैसेज क्या है? मुश्किल तो नहीं था ना, आसान था ना इसको सर्च करना। पढ़ो इसको, द मैसेज इवेंट इज फायर्ड ऑन अ विंडो ऑब्जेक्ट व्हेन अ विंडो रिसीव अ मैसेज फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ कॉल विंडो डॉट पोस्ट मैसेज फ्रॉम अनदर ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट, दिस इवेंट इज नॉट कैंसिलेबल। नोटिफिकेशन नहीं है ये, नोटिफिकेशन नहीं है ये। एक और भी जगह है जहां से आप इसको पढ़ सकते थे, वो कौन सी जगह है? ये रहा सर्विस वर्कर डॉक्यूमेंटेशन। आ जाओ यहां पे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने इसके बारे में। अच्छा अब यहाँ पे ना सारे वो वाले इवेंट्स हैं जो जो उसमें डिस्कस हुए हैं ना, देखो एक्टिवेट है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लेमिंग क्लाइंट ड्यूरिंग एक्टिवेट इवेंट, ठीक है। एन एक्टिवेट इवेंट इज इमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। ये वाला इवेंट कब होता है, जब इंस्टॉल का बटन दबा के इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाती है ना तो ये एक्टिवेट का इवेंट मिलता है। इसी तरह यहाँ पे जितने भी है ना सब लिखा हुआ, देखो फैच का इवेंट भी है उस पे लगा हुआ। तो फैच का इवेंट क्या है, डिफाइनिंग अ फेच स्ट्रेटजी, वंस द सर्विस वर्कर इज प्री कैशिंग एसेट वी नीड टू प्रोवाइड सम फंक्शनैलिटी फॉर रिट्रीविंग दोज एसेट। अभी वो नहीं आया इसके अंदर अभी भी। ऑन मैसेज नहीं आया इसमें। अच्छा ये जो मैसेज वाला इवेंट है ना, इससे जो जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ है कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब एक दफ़ा सर्विस वर्कर रजिस्टर हो जाता है ना और उस सर्विस वर्कर में हम कोई भी अपडेट करते हैं अगर,
तो उसके बाद ना ये वाला इवेंट मिलता है और वो सर्विस वर्कर नया वाला एक्टिवेट हो जाता है। एक तो हमने अनरजिस्टर किया ना, अनरजिस्टर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जब दूसरा नया सर्विस वर्कर आ जाता है ना, तो वो स्टार्ट वेटिंग स्टार्ट कर लेता है वो, ठीक है। तो सम टाइम आपके पास लिखा हुआ भी आता है यहाँ पे, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है कि पीछे जो है ना चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो आप भी उसको अपडेट कर लें। इस तरह की चीज़ें कुछ लिखी भी आ सकती हैं। तो जब आप उसको ओके करते हैं ना कि अपडेट कर दो, तो आपको ये वाला इवेंट मिलता है और सर्विस वर्कर ना बैकग्राउंड में क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। सही है, इस तरह का कुछ हो रहा होता है। जैसे देखो अभी इसके अंदर कुछ एरर वेरर आ गया ना, अब अगली दफ़ा में ये सर्विस वर्कर दोबारा से गेट करने की कोशिश करेगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो नहीं कर रहा। एक मिनट, ऑफलाइन किया हुआ है ना उसको मैंने। ये देख रहे हो अपडेट का एक बटन बना हुआ अभी आ रहा है इस पर, लेकिन ये डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, अपडेट का जो बटन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे सम टाइम आपके पास लिखा हुआ आएगा कि ये वाला वर्जन चल रहा है, आगे एक अपडेट आ चुकी है और स्किप वेटिंग का बटन आ रहा होगा। ठीक है, तो वो उस इवेंट से उसका लेना देना है। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं हम अपने सर्विस वर्कर के अंदर। ये जो इंस्टॉल वाला इवेंट है, ये आपको कब मिलता है, जब इंस्टॉल का बटन आप प्रेस करते हैं, और इंस्टॉल का बटन प्रेस करते ही आपको इवेंट डॉट वेट अंटिल करके है कोड आपका, और आप कहते हैं केशेज डॉट ओपन, और केशे का नाम लिखते हैं आप। ये केशे का नाम कौन सा वाला है, ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं ब्राउज़र में से जाके केशे को ओपन करो और उसका नाम दे देंगे, इस नाम से मैंने बनाया था केशे, उसको ओपन करो, और डॉट देन में आपको वो पूरा का पूरा केशे मिल जाता है। और आप कहते हैं केशे डॉट एड ऑफलाइन पेज, यानी जो भी केशे में था उसमें ऑफलाइन पेज को भी ऐड करो और ऐड करके रिटर्न कर दो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये जो भी चीज़ यहाँ से रिटर्न करते हैं ना, वो इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर में ब्राउज़र उसको भेज देता है, ये ब्राउज़र को पता है पहले से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने एक लॉजिक लगाई हुई है कि इफ़ नेविगेशन प्री लोड सपोर्टेड तो इसको इनेबल कर दो। ठीक है, नेविगेशन प्री लोड इनेबल, प्री लोड का मतलब होता है कि जैसे ही आप पेज खोलें तो सब चीज़ों को वो पहले से ही लोड कर लें। अच्छा ये इसने पता नहीं क्या किया हुआ, वर्क बॉक्स का कुछ मंजा रही है। अच्छा अब आ जाते हैं सबसे मेन स्ट्रेटेजी जो कि ये वाली है, एड इवेंट लिसनर फैच। अब ये फैच जो है ना, वंस आपने चीज़ों को जब केशे में लोड कर दिया और उसके बाद जब ऑफलाइन होने के बाद आप उसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से चीज़ें उठा के आपको देगा वो, PWA आपका। ठीक है, अब इसमें देखो फैच की जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी ना, तो ये चलेगा उसके ऊपर, ये पूरा इवेंट मिलेगा उसको। अच्छा ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट है, PWA तो इसको नाम दिया हुआ है, ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट। इसमें इन्होंने क्या लिखा, ये रिक्वेस्ट इवेंट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मॉड, के रिक्वेस्ट का मॉड क्या है, नेविगेट अगर वो है तो क्या करो, इवेंट डॉट रिस्पॉन्स विथ। ठीक है, के मतलब उसको यहाँ से रिस्पॉन्स उठा के भेजो, इधर से जो मैं बता रहा हूँ रिस्पॉन्स विथ। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, इवेंट डॉट प्री लोड रिस्पॉन्स, प्री लोड इक्वल टू प्री लोड, तो वो वाला भेज दो। ठीक है, चेक करो कि प्री लोड अगर चीज़ों को किया हुआ है तो वो उठा के भेज दो। अच्छा अदरवाइज अगर इसमें फैच में एरर आ जाए, ठीक है फैच में अगर एरर आ जाए, यानी कि इंटरनेट बंद होगा तो जाहिर है फैच में एरर आ जाएगा, तो फिर क्या करो, केशे को ओपन करो उसी नाम से जिस नाम से बनाया था ऊपर कॉन्स्टेंट, और केशे के अंदर ना मैच करो, क्या मैच करो, ऑफलाइन फॉल बैक ऑफलाइन पेज, इसको मैच करो। अगर ये केशे के अंदर मिल जाए तो उठा के ये वाला भेज दो। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई हुई है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है अपनी नीड के मुताबिक। और रेडीमेड बहुत सारे इंटरनेट पे लोगों ने ना बना बना के रखे हुए सर्विस वर्कर, तो आप उसमें से कोई रेडीमेड भी उठा के अपने पास लगा सकते हैं। तो ये एक बनी हुई स्ट्रेटजी है आपके पास, तो हमने उसको यूज़ किया और थोड़ा सा ब्रीफली उसको समझने की कोशिश की। एक्चुअली मुझे भी पूरा नहीं एग्जैक्टली पता कि कहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, और PWA एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व हो रही है अभी, उसको सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें PWA में एक ब्राउज़र में चलती है, दूसरे में नहीं चलती, तो अभी ये इवॉल्व हो रही है और गूगल पूरी जान लगा रहा है कि PWA कामयाब हो जाए।
सही है, और गूगल का बड़ा फ़ायदा है इससे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने प्लेटफॉर्म तो बना दिया है लेकिन सपोर्ट इसको वो भी सही से नहीं कर रहा पूरी चीज़ों को, तो सिर्फ गूगल ही इसके पीछे लगा हुआ है। गूगल के अपने फ़ायदे हैं, गूगल कोई बहुत अच्छा नहीं है, गूगल ने ही इन चीज़ों को दबा के रखा था बड़े लंबे अरसे तक। एंड्रॉयड 4.4 में जाके ना उसने जो वेब व्यू था उसको अपडेट किया, अदरवाइज वेब व्यू पुराना वाला चलाते थे। एप्पल वालों ने भी अपना जो सफारी ब्राउज़र था उसको तो अपडेट करते थे लेकिन अंदर जो वेब व्यू था उसको रोक के रखा हुआ था काफ़ी लंबे अरसे तक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने, आप बोलते हो ना विंडोज़ का जो एक एक्सप्लोरर ब्राउज़र हुआ करता था, क्या नाम था, IE6, हाँ IE करके बोलते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने उसको अनस्टेबल रखा क्योंकि शायद उनको ये लगता था कहीं ना कहीं कि अगर हम ब्राउज़र को अगर कामयाब बना दिया हमने तो सब लोग तो वेब एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन बनाएगा फिर हमारी, ठीक है, वेब एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे लोग, तो जानबूझ के उन्होंने उसको डाउनग्रेड करके रखा हुआ। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो उनका फ़ैसला गलत था ऐसा करने का। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है एप्लीकेशंस में वो वेब एप्लीकेशंस का है, बावजूद इसके कि सब लोगों ने उसको मिलकर डाउनग्रेड किया उसके बावजूद। इवन दो कि जो माइक्रो, ये हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वी एस कोड, ये जावास्क्रिप्ट पे ही बना हुआ है और ये PWA है असल में, सही है, ये बाय द वे PWA नहीं है, PWA बोलना इसको गलत होगा, काइंड ऑफ PWA, एक दूसरा फ्रेमवर्क है जिस पे डेस्कटॉप इलेक्ट्रॉन नाम है उसका, उस पे बना हुआ है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बना हुआ है, तो काइंड ऑफ PWA है ये, तो ये वेब पे भी चलने, अभी असल में वेब पे इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, टर्मिनल नहीं चलता ना इस पे वेब में, ये टर्मिनल कैसे चलेगा, तो अगर उसकी कोई API आ गई ना टर्मिनल की, ब्राउज़र से टर्मिनल को कनेक्ट करने की, तो ये बस उस पे चलेगा, नहीं नहीं वो तो GitHub से डायरेक्ट खुल रहा होता है ना, वो तो GitHub से, हाँ नहीं वो अभी सही नहीं है, अभी वो अभी बना रहे हैं उसको, पहले JavaScript तो सीखो बेसिक, JavaScript ही है वो भी, ठीक है, देखो स्पेशलाइजेशन एक चीज़ में होती है, अगर इलेक्ट्रॉन में स्पेशलाइजेशन करनी है तो कर लो, नहीं मतलब मेरा सवाल ये है कि किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है आपको, तो अगर इलेक्ट्रॉन में करनी है तो कर लो, ये है सवाल, अब तुम खुद समझदार हो, तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि आसानी से जॉब तुम्हें रिएक्ट में मिलेगी या रिएक्ट नेटिव में मिलेगी या इलेक्ट्रॉन में मिलेगी, सही है, आसानी से जॉब किस में, क्योंकि तुम्हारा तो अभी करियर शुरू नहीं हुआ ना, तो पहले एज अ वेब डेवलपर करियर तो शुरू करो, फिर वंस आपका करियर शुरू हो जाएगा तो स्पेशलाइजेशन उसके बाद करोगे ना आप किसी एक चीज़ में, वो तो अभी नहीं कर सकते आप, अभी तो जॉब पकड़ोगे पहले, तो इस वाले सर्विस वर्कर में भाई कोई मसला है तो ये जो मिडल वाला था ना इसका, ये वाला हम लगा लेते हैं। अब ये पता नहीं डज नॉट वर्क ऑफलाइन क्यों कहता है ये बार बार, इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी डज नॉट वर्क ऑनलाइन, अभी हमें एक लास्ट काम करना है इसको, उसका वो बनाना है APK फाइल, APK फाइल बनाने के बाद हमारा ये PWA का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये वर्क ऑनलाइन वाला हो गया, ओके हो गया, लेकिन यहाँ तो वर्क ऑफलाइन नहीं हो रहा, मैंने इसको किया इंस्टॉल का बटन प्रेस किया, सब चीज़ें लोड हो गई, उसके बाद मैंने क्या किया थ्रॉटलिंग में जाके ऑफलाइन किया और रिफ्रेश किया, तो ये अरे अब तो चलने लग गया, पहले नहीं चल रहा था, अब तो सही चलने लग गया है ना, पहले इसी सर्विस वर्कर में मसला कर रहा था, रिफ्रेश होने में गड़बड़ कर रहा था, खैर सही चल रहा है, तो यहाँ तक का हो गया मेरा केस, तीन तरह के अलग अलग सर्विस वर्कर उन्होंने रेडीमेड बना के रखे हुए थे वो मैंने कर लिया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए प्ले स्टोर पे अपलोड करने वाला पैकेज मुझे चाहिए इससे, तो विंडोज़ iOS का स्टोर, एंड्रॉयड और मेटा क्वेस्ट,
ये चार वो प्लेटफॉर्म है जहाँ के लिए मुझे ये बना के दे सकता है। अच्छा, मेटा क्वेस्ट क्या चीज़ है? एक मेटा वालों का स्टोर है जहाँ पे बकौल उनके मेटावर्स वगैरह की ऐप्स वहाँ पे इंस्टॉल हुआ करेंगी। ठीक है, तो वेल सबसे पहले तो हम एंड्रॉयड के लिए इसको करते हैं। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और मुझसे पूछ रहा है कि किसके लिए चाहिए, तो मैं एंड्रॉयड के लिए सबसे पहले करता हूँ। और क्या कह रहा है, PWAs आर फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन, वन ऐप स्टोर लिस्टिंग फॉर ऑल डिवाइसेस, मोबाइल टैबलेट डेस्कटॉप, 2.5 बिलियन स्टोर इनेबल्ड डिवाइसेस। कह रहे हैं कि भाई जो PWA होती है वो फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड के अंदर। फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे प्ले स्टोर से डायरेक्ट क्लिक करके जो आप डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड क्लास एप्लीकेशन ये होती है कि आप ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र के अंदर आप कोई चीज़ खोलेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकंड क्लास। ठीक है, तो जनरेट APK ज़रा करते हैं। अच्छा, इसने मुझे पहले से कुछ पैकेज ID और नाम वाम लिख कर मुझे दे दिया इसने। अच्छा, ऑल सेटिंग को ज़रा देख लेते हैं, लेकिन वर्जन बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्जन है, होस्ट है, स्टार्ट URL है, कलर्स वगैरह है, कुछ हैं, आइकन है, ठीक है, मास्केबल आइकन, पता नहीं क्या है ये। खैर, तो ये सारे ऑप्शंस उसमें हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्ले मोड क्या खुले, ऊपर एक पट्टी हो या बिल्कुल फुल स्क्रीन में खुले, तो फुल स्क्रीन कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अच्छा, तीनों के बारे में मुझे बता रहा है। स्टैंड अलोन में क्या होगा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऐप द एंड्रॉयड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार विल बी शोन वाइल द ऐप इज़ रनिंग। जिस पे ऊपर टाइम आ रहा होता है ना, एक बार होता है एंड्रॉयड के फ़ोन में, कह रहा है वो शो होता रहेगा स्टैंड अलोन में। अच्छा, फुल स्क्रीन में क्या होगा, फुल स्क्रीन में नेविगेशन बार विल बी हिडन, योर ऐप इज़ रनिंग सूटेबल इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस गेम और मीडिया ऐप। अच्छा, फुल स्क्रीन में नीचे का नेविगेशन बार और ऊपर की पट्टी दोनों गायब हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ नॉट फॉर अस, स्टैंड अलोन ही बेस्ट है हमारे लिए शायद। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ऐप्स जो है वो स्टैंड अलोन मोड में चलती हैं आई थिंक। अच्छा, इसमें डिफरेंट डेलीगेशन हैं कि नोटिफिकेशन डेलीगेशन, कि भाई नोटिफिकेशन आने वाला जो कोड है वो आपने क्या इसमें इंक्लूडेड रखना है। मैंने कहा ठीक है रख दो भाई, PWA में नोटिफिकेशन हो सकती हैं। अच्छा, लोकेशन डिटेक्शन डेलीगेशन, लोकेशन को डिटेक्ट करने वाला, यानी क्या डेलीगेशन असल में वो होता है कि जब आप ऐप खोलते हैं ना तो सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है कि भाई अलाउ लोकेशन, अलाउ डिनाई, वो वाला, तो इसमें मैं चेक लगा दूंगा ना तो ये लोकेशन मांगेगा खुलते ही ये ऐप, ताकि फिर आपका जो अंदर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोई गेम खेला हुआ ना तो वो आपको मिलेगा डिवाइस के GPS से पर। ठीक है, गूगल बिलिंग वगैरह, सेटिंग शॉर्टकट और क्रोम OS ओनली, मेटा क्वेस्ट कैपेबिलिटी, इस पर चेक लगा दूंगा तो मेटा क्वेस्ट पे ऑटोमेटिकली चलेगा क्योंकि एट द एंड वो है एंड्रॉयड ही, जो उनका वो बार है ना वो एंड्रॉयड है। अच्छा, साइनिंग की, अच्छा साइनिंग की क्या चीज़ होती है, जब भी आप कहीं पे स्टोर पे अपलोड करते हैं ना तो एक की मिलती है आपको, उस की के ज़रिए आप उसका अगला वर्जन दे सकते हैं ना, वहीं पे आपको अगर अपडेट भेजनी हो तो इसमें न्यू खुद से जनरेट करके आपको की बना के दे देगा ये, तो मैंने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें से मैंने काइंड ऑफ किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं किया, राइट, और मैं क्या करूँगा। अच्छा, एक और भी कुछ ऑप्शन है, अदर एंड्रॉयड, गूगल प्ले, अदर एंड्रॉयड, व्हाट डैट जनरेट अनसाइन APK। अच्छा, कह रहे हैं गूगल प्ले पे अगर आपको अपलोड करनी है ना, APK दो तरह की होती है, एक होती है साइन APK, एक होती है अनसाइन। साइन एक्चुअली ये कह रहा होता है डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो की मैं बता रहा था ना नीचे के खुद से जनरेट कर रही है वो वाला है। तो गूगल प्ले के लिए आपको वो साइन APK चाहिए होता है, बगैर साइन वाला गूगल प्ले एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको किसी और एंड्रॉयड के लिए चाहिए ना अनसाइन, तो वो भी आपको ये दे देगा। ठीक है, लेकिन मुझे गूगल प्ले वाला चाहिए फिलहाल, और डाउनलोड पैकेज का मैंने बटन दबाया, APK बना के मुझे इसने दे देना है। ठीक है, मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपके पास होगा, मैं आपको भेजूंगा air.sysborg पे चला के देखना। अच्छा, इसमें एक काम और भी होता है जो कि अभी रहता है, इसमें एक और भी काम है जो अभी तक मैंने किया नहीं है। अच्छा, ये शायद अपने सर्वर पे जाके वहाँ पे से बना के ला के दे रहे हैं। अच्छा, मेरा GPU काफ़ी ऊपर जा रहा है, पता नहीं मेरे मशीन का GPU तो नहीं यूज़ कर रहे इसको बनाने के लिए, मेरा GPU बिल्कुल ऊपर गया हुआ है। नहीं तो क्या 2-4 मिनट ले लेगा, क्या हो जाएगा। हाँ, तो
देखो जब ब्राउजर में जो खुलता है ना इंस्टॉल का बटन आता है, वो इंस्टॉल होता है एज ए पी एज PWA। जब वो खुलता है तो एक्चुअल में गूगल क्रोम ब्राउजर अगर नहीं है ना आपके फ़ोन में तो वो नहीं खुल सकता फिर, समझ रहे हो बात। ये जो APK होगा ना ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन होगा। जो PWA के तौर पे इंस्टॉल होता है वो सेकंड क्लास होता है, क्योंकि वो गूगल क्रोम के बगैर नहीं चल सकता। एंड्रॉयड में शायद गूगल क्रोम के बगैर भी चल जाए, लेकिन आईफोन में तो बगैर गूगल क्रोम के काम नहीं करता। तो अभी वो ये हो तो जाए डाउनलोड, पता नहीं क्यों उतना टाइम लगा रहा है। हाँ इसमें कोई स्टैक में कोई प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट दोबारा से करते हैं, रिफ्रेश किया इसको मैंने और सही है। पैकेज फॉर स्टोर जनरेट और डाउनलोड पैकेज, ठीक है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट पे सब इन्होंने सही रखा था ऑप्शन। मेरा GPU क्यों ऊपर जा रहा है, सब कुछ सेंड कर रहा है, ये अपलोड हो रहा है 1.5 MB की स्पीड से कुछ। ये कुछ अपलोड कर रहा है अपने सर्वर पे भेज रहा है यहाँ से कुछ मेरे पास से। हो गया भाई डाउनलोड, सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एंड्रॉयड पैकेज हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अब इसको मैं ज़रा ecom.zip को zip फाइल भेजी है इसने मुझे। इस zip फाइल को खोलता हूँ ना तो देखो मुझे क्या क्या चीज़ें देता है ये। एक साइनिंग स्टोर देता है, ये वो की है जो मैं लूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने ये की गुम कर दी ना तो मैं इस ऐप की अपडेट नहीं दे सकता फिर अपने यूज़र को, राइट। तो ये मुझे संभाल के रखनी है। एक readme.html है, एक APK फाइल है, एक ABB है और एक assets.link.json है, सही है। अच्छा अब readme को ना देखो पढ़ो क्या क्या बता रहा है readme में। ये readme को मैं इधर खोल लेता हूँ, ये readme फाइल है राइट। इसमें ये बता रहा है कि पब्लिशिंग PWA टू द गूगल प्ले स्टोर। पहले तो मैं ये आपको भेज देता हूँ, ये आपके पास अभी खुलेगा सही तरह से नहीं खुलेगा ना, थोड़ा औखा खुलेगा ये। मैं वेब क्लास आईडी लगा के ना ये आपको भेज रहा हूँ। डाउनलोड ecom किसमें, ये APK मैंने जो है ना ये भेज दिया आपको। कौन सा सर्वर एक्सपायर हो गया, नहीं ये कौन सा सर्वर एक्सपायर हो गया समझा नहीं। नहीं नहीं अरे हाँ ये तो हिरको से जाता था, नहीं हीरोकु से तो नहीं जाता था, ये डायरेक्ट इसमें फायरबेस लगा हुआ था। एरर देखता हूँ कंसोल में क्या आ रहा है। हाँ यार एरर आ रहा है। अब ये कैसे शेयर करूँ मैं, खैर मैं मेरे पास अपना एक एंड्रॉयड का इमुलेटर है ना वो मैं कैसे खुलेगा वो इमुलेटर।
एंड्रॉयड स्टूडियो में तो नहीं, इमुलेटर में खोलेगा, इमुलेटर में खोल के दिखाता हूँ मैं। बाय द वे ये यूआरएल लिखोगे ना तुम लोग तो तुम्हारे पास भी जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगा, दैट्स इट। मैंने क्या लिखा है, यूआरएल ही तो लिखा है, वो यूआरएल तो अच्छा। ये मैं ना इमुलेटर खोल रहा हूँ, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर कहते हैं इसको, इसमें आज की जिंदगी में उसे खुल गया। अच्छा जी, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में मेरे पास एक डिवाइस पहले से बनी हुई है, मैं इसी को प्ले करता हूँ। और ये मेरे पास गूगल पिक्सल जो है वो ओपन हो गया, बस ये खुल जाए बस आज ही। यार ये मुझे पावर सेविंग मोड हटाना पड़ेगा शायद, पावर सेविंग मोड से ना ये कुछ थ्रॉटलिंग हो रही है। सही है, तो ये मेरा एंड्रॉयड का इमुलेटर ओपन हो गया, प्रोसेसर मेरा सारा का सारा छत से लग चुका है जाके। अच्छा ये ecom.apk है ना, इसको ज़रा मैं चला के अब देखता हूँ, इमुलेटर में अपने जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप करना है, ये इसमें इंस्टॉल हो जाता है। ये इमुलेटर है ना एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इंस्टॉल होता है ये। तो ये देखो ecom के नाम से मेरे पास ये इधर आ गया। अब जब इसको मैं खोलूँगा ना तो देखो क्या होगा, ये मैंने उसको ओपन किया। अच्छा इसका ये वाईफाई क्यों डिस्कनेक्ट हुआ है, खुल क्यों नहीं रही। मैं वैसे ज़रा इंटरनेट चला के देखूं, मुझे लग रहा है इंटरनेट इसका वो हुआ है, इंटरनेट का कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है यार, इसको क्या बकवास हुई। पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको इंटरनेट की समझ नहीं आ रही इसको। पता नहीं इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है इसको यार, ये क्या बकवास है। मैं अपने वर्चुअल डिवाइस की सेटिंग में जाके देखना चाह रहा हूँ ज़रा, नेटवर्क टाइप फुल, फुल पता नहीं क्या है, सिग्नल ग्रेट, और इसमें कहीं पे इंटरनेट तो बंद तो नहीं हुआ होगा इसका बेचारे में। अरे हर चीज को अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है,
यार मैं सिम्युलेटर को ना बंद करके ज़रा दोबारा खोलता हूँ। मेरे पास भी इंटरनेट बंद हो गया क्या? मेरे पास तो शट है नहीं, मेरे पास वैसे इंटरनेट तो सही चल रहा है। इमुलेटर के अंदर असल में सिस्टम का इंटरनेट चलता है ना, तो मेरे सिस्टम पे तो इंटरनेट चल रहा है लेकिन इमुलेटर में नहीं चल रहा है। ये बकवास है। नो इंटरनेट कनेक्शन भाई। वेल यार इसके अंदर एक चीज़ होती है, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ, जब इसको खोलोगे ना तो ये सही खुलेगा नहीं। तो इसको सही खोलने के लिए ना एक चीज़ चाहिए होती है, मैं हाँ ये देख रहे हो, ये डॉट वेल नोन डॉट करके ना एक चीज़ चाहिए होती है हमें, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ता है। तो अब आप सब लोग जब बनाएंगे ना तो ये वेल नोन का फोल्डर बनाने से पहले और वेल नोन का फोल्डर बनाने के बाद दोनों में चेक कीजिएगा। अभी अगर मैं उसको ओपन करूँगा तो वो एज अ ब्राउज़र विंडो की तरह खोल देगा उसको ना। अभी अगर मैं उसको चला के देखूँगा तो एज अ ब्राउज़र विंडो उसको वो ओपन कर देगा और उसमें बाकायदा मुझे फील होगा कि मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। सही है। अच्छा, जब मैं ये वेल नोन बना दूंगा ना उसको प्रॉपर, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर वो ऐप की तरह खुलेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो एसेट लिंक्स डॉट जेसन करके मुझे इसने फाइल दी है ना, ये वाली एसेट लिंक्स डॉट जेसन, ये मुझे डालना है डॉट वेल नोन के फोल्डर में। तो आ जाते हैं मैं अपने वीएस कोड में आके ना, इसी पब्लिक के फोल्डर में मैंने क्या बनाना है, डॉट वेल नोन बनाना है, डॉट वेल नोन एसेट्स डॉट जेसन। ठीक है, डॉट वेल नोन बनाया मैंने, ये मैंने पब्लिक के अंदर क्या बनाया, डॉट वेल नोन का एक फोल्डर, अभी ये खाली है राइट नाउ। और अब मैंने क्या करना है, डॉट वेल नोन लाजमी है, डॉट भी आएगा साथ में, और ये मैं एसेट्स डॉट जेसन ला के ना इसके अंदर छोड़ दूंगा। सही है, जो उसने बना के दिया था एज इट इज, कोई चेंजेस किए बगैर। इसमें ये फिंगरप्रिंट वगैरह सब चीज़ें इसकी, इसका नाम है कि ये कहाँ से उठकर आ रहा होगा, क्या होगा, दैट्स इट। और बस ये करने के बाद ना मैंने इसको अगेन डिप्लॉय कर देना है दोबारा से। मैंने कहा npm run build, सही है, और सर्च करके जो मैं डिप्लॉय करता हूँ उस तरह से मैंने डिप्लॉय कर देना है। अगर ये मैं नहीं लिखूँगा तो वो प्ले स्टोर पे चला भी जाएगा शायद, या शायद उसको रिजेक्ट कर दें वो ह्यूमंस जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। और उसके बाद मैंने करना है सर्च, और हाँ हाँ क्या था URL मेरी ऐप का, ये था URL मेरी ऐप का। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं मेक श्योर कैसे करूँगा कि ये सही खुल गया है, मतलब ये वेल नोन मेरा बिल्कुल सही बना है। इसको मेक श्योर करने का तरीका भी देख लें। ये ज़रा पब्लिश हो गया, ये होस्टिंग हो गई इसकी, पब्लिश हो गया ये दोबारा से।
अब ये इन्होंने ना इस डॉक्यूमेंट में देखो क्या बताया है, कह रहे आपने ना ये लगाना है उसके आगे, अपने URL के आगे आप wellknown./asset लिंक लगाओगे ना तो वो फाइल रिट्रीव हो जानी चाहिए। अगर वो फाइल रिट्रीव हो रही है, जैसा कि ये देखो मैंने क्या किया, अपने URL के आगे ना ये लगाया मैंने और एंटर किया, तो मेरे पास वो फाइल रिट्रीव नहीं हो रही है अभी। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा थ्रॉटलिंग लगाई है ना मैंने, ये नहीं हो रही है रिट्रीव। अगर ये रिट्रीव नहीं हो रही है इसका मतलब है प्रॉब्लम है। एमटी कैशे करके ट्राई करता हूँ, नहीं हो रही है, ये फाइल रिट्रीव होनी चाहिए। देख लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। /wellknownassets.json ठीक है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है अभी, ये सही लगा नहीं है। देखते हैं ज़रा इधर जाके बिल्ड के फोल्डर में वो आया भी है कि नहीं आया। डॉट वेल नोन आ गया, डॉट एसेट लिंक आ गया, सही है बिल्कुल। ओके उधर क्यों नहीं पहुंचा यार अभी तक, होस्ट तो हो गया ना सही तरह। ये इसको ज़रा मैं एक नए टैब में चला के देखता हूँ, मे बी वो इस टैब में ना केशे वेशे हुआ है कुछ बहुत ही खतरनाक वाला। एसेट लिंक नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे? वेल नोन की स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने, डॉट वेल डैश नोन। तो लिखिए एक दफा और रन बिल्ड करके चेक कर लेते हैं, शायद बिल्ड सही तरह ना हुआ। एक काम करते हैं ना, बिल्ड के फोल्डर को डिलीट करते हैं और दोबारा बनाते हैं। सही है यार, डॉट वेल नोन तो सही आ रहा है, एसेट्स डॉट जेसन भी सही आ रहा है। उधर रिट्रीव क्यों नहीं हो रहा है यार, ये क्या बकवास है? अच्छा मैं वैसे ज़रा इसको लोकल होस्ट पे ज़रा चला कर देखता हूँ ना, npm start कि वो लोकल पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लोकल पे मिल रहा है तो वहाँ भी मिल जाएगा फिर। डॉट डॉट वेल डैश नोन स्लैश क्या था यार, एसेट्स यार, लोकल पे तो सही मिल रहा है बिल्कुल, होस्ट होने के बाद कोई मसला हो जा रहा है उसको। ठीक है, इस तरह करके ना मुझे ये मिलना चाहिए। अगर मुझे इस तरह करके नहीं मिल रहा ना तो इसका मतलब है कि वो कोई मसला है। यहाँ पे अभी भी नहीं मिल रहा है यार, ये डिसेबल केशे करके मैं करता हूँ ताकि केशे से कोई चीज़ ना उठाए। एसेट लिंक्स डॉट जेसन, सब कुछ सही किया हुआ है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। वेल इसको मैंने दोबारा से बिल्ड किया है और इसको दोबारा से अब डिप्लॉय करके देखते हैं, मे बी डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आ गया हो। सही है, 129 फाइलें जा चुकी हैं यहाँ से और अब मैं इसको दोबारा आगे रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल ये मिल नहीं रहा है इसको अभी भी।
अच्छा, अगर मैं ऑफलाइन वाला पेज ओपन करने की कोशिश करूँ, वो भी रूट पर ही है ना ऑफलाइन वाला जो है, ऑफलाइन डॉट एच टी एम एल, तो क्या वो मुझे मिल जाता है? वो मिल जा रहा है, ये नहीं मिल रहा। डॉट वेल डैश नोन, अब मैं अलग से गूगल कर लेता हूँ। डॉट वेल नोन इज नॉट वर्किंग इन सर्च। अच्छा, मे बी आई गेस के सर्च वाले इसको ना जानबूझ के रोक रहे हो मे बी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन में चीज़ें ये यूज़ होती हैं और उसका नाम हमेशा डॉट वेल नोन ही होता है, तो मे बी सर्च वाले उसको रोक रहे हो। तो हम पेड वर्जन में शायद ये ऐसा ना हो, या हम कोई दूसरी सर्विस ट्राई कर सकते हैं, नेटलीफाई वगैरह टाइप की ना। ठीक है, तो डॉट वेल नोन जैसे ही यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा ना, आप उधर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को बंद करके खोलेंगे और बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल सर्च जो है मैं नहीं करने दे रहा वो काम। अच्छा, अब अगला, ये डॉट वेल नोन लगा दिया आपने, अब अगला काम क्या है आपका? अपलोड योर ऐप टू गूगल प्ले स्टोर। कह रहा है भाई $25 का अकाउंट बनता है और आप उधर जाओ और ये स्टेप्स हैं, लॉग इन करो अपनी ये जो जिप फाइल है ना, जिसमें ABB वगैरह सब कुछ है, वो सब उधर अपलोड कर दो। ठीक है, कुछ इस तरह से वहाँ पर स्क्रीन दिखेगी आपको और बस ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ आप, जैसे जैसे ये बता रहा है, और आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी। सही है। अच्छा, अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग PWA। कह रहे हैं कि जब आपको इसी PWA को अपडेट करना हो ना, तो फिर आप क्या करोगे, जनरेट अ न्यू पैकेज करोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने करके डाउनलोड किया है। स्पेसिफाई न्यू ऐप वर्जन एंड ऐप वर्जन कोड। अच्छा, प्ले स्टोर पे या किसी भी स्टोर पे ना, जब जैसे 0.1.0.0 ये वर्जन चला गया, तो इससे नीचे का वर्जन नहीं जाएगा, इससे ऊपर का जाएगा, और सेम वर्जन भी भेजोगे तो एरर मारेगा, कहेगा यार ये वर्जन तो हुआ हुआ है। तो आपको 1.0.0 था ना, अब एटलीस्ट आपको क्या करना है, या तो V2 भेजना है, या तो एटलीस्ट 1.0.1 करना है एटलीस्ट। तो कह रहे हैं कि आप जनरेट करते हुए ना, वर्जन पूछ रहा था वो, तो कह रहा है वर्जन आपने प्रॉपर बताना है जो अब है। स्क्रॉल डाउन टू साइनिंग की, चूज माइन। साइनिंग की जब आप जाओगे जब, तो वहाँ पे आप ये चूज़ करोगे कि मेरी की इस्तेमाल करना, अदरवाइज वो नया बना देगा। हमें तो सेम ऐप को अपडेट करने के लिए सेम की चाहिए होती है ना, जो इसने पहली दफ़ा बनाई है, वो मुझे भेजा भी है इसने, तो वो मैं संभाल के रखूँगा और मैं बोलूँगा मेरी की इस्तेमाल करो और वो वाली की उसको दूँगा, अदरवाइज वो प्ले स्टोर पे एरर मारेगा कि भाई ये तो दो अलग अलग कीज हैं। चूज़ योर एग्जिस्टिंग साइनिंग की फाइल जो जिप फाइल में मिली है। अच्छा, एलियस और की का पासवर्ड जो है ना, उसने मुझे भेजा है साथ में। अगर मैं जिप फाइल आपको खोल के दिखाऊँ ना, तो ये इसने मुझे पासवर्ड वगैरह हर चीज़ भेजी है साथ में। सही है, देखे ना, की पासवर्ड, की एलियस, की, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। जब आप बोलोगे ना मेरी की इस्तेमाल करो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेंगी। बिल्ड योर पैकेज, बस ये आप डाउनलोड हुआ है, अब आपने उधर जाके अपलोड करना है प्ले स्टोर पर, नेक्स्ट नेक्स्ट मारना है, अपडेट हो जाएगा। जितने भी यूज़र हैं जो पहले से इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं आपकी ऐप प्ले स्टोर से, उनके पास अपडेट आ जाएगी। ठीक है, वो ऑटो अपडेट पे, तो ऑटो अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज उससे पूछेगा वो अपडेट करने के लिए। तो ये हमने कर लिया ज़रा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि iOS का जो पैकेज है ना, वो कैसे बनता है। iOS का यानी आईफोन पे चलने वाला पैकेज है, लेवरेज द सेम कोड बेस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, लार्ज यूज़र बेस है और प्रीमियम डिवाइसेज हैं ये। ठीक है, अच्छा, ये मुझे वही सारी ऑप्शंस दे रहा है। ऑल सेटिंग में जाके देख लेते हैं क्या मांग रहा है ये मुझसे। आइकन्स वाइकन्स मांग रहा है ये, कलर वगैरह कुछ पूछ रहा है, दैट्स इट। सही है, डाउनलोड पैकेज का मैंने बटन दबा दिया। अब ये जब पैकेज डाउनलोड होता है, तो उसको देखते हैं ज़रा कि मुझे क्या डाउनलोड करके देता है और उसको चलाया कैसे जाए। तो ecom1zip करके ये मेरे पास आ गया है, और इसमें SRC के नाम से एक पूरा का पूरा फोल्डर आ गया है। मतलब इसने मुझे APK फाइल नहीं दी है, इसमें APK नहीं होता, इसमें होता है IPA, आईफोन एप्लीकेशन स्टैंड फॉर। तो IPA फाइल नहीं दी है इसने मुझे, कोड लिख कर दे दिया है जो मैं खुद से बिल्ड करूँगा। तो वो कोड ज़रा देखते हैं कि क्या चक्कर है उसका।
अब यहाँ पे मुझे एक तो एस आर सी है, दूसरा है नेक्स्ट स्टेप डॉट एच टी एम एल, तो मैं नेक्स्ट स्टेप डॉट एच टी एम एल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये मुझे बताएगा कि अब इस जिप फाइल के साथ करना क्या है। कह रहा है कि भाई बिफोर यू स्टार्ट सबमिशन प्रोसेस यू विल नीड टू बिल्ड योर स्विफ्ट प्रोजेक्ट। आईफोन की ऐप स्विफ्ट लैंग्वेज में बनती है, तो स्विफ्ट लैंग्वेज में इसने मेरी पूरी ऐप बना के वो मुझे दे दी है। एक्चुअली मैं उस ऐप में हुआ हुआ क्या है, वो स्विफ्ट की एक एप्लीकेशन है जो एज टू एज ब्राउजर है, और उस ब्राउजर के बीच में आपका वेब एप्लीकेशन खुला हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीज़ है। अच्छा, कह रहे हैं कि अनजिप करो, एस आर सी के फोल्डर में जाओ और पॉड इंस्टॉल चला दो। ये पॉड इंस्टॉल क्या चीज़ है, नॉट जी एस के प्रोजेक्ट में जो एन पी एम इंस्टॉल होता है ना, सेम चीज़ इसमें पॉड इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो मैं जाके यही काम करता हूँ, मैं गया एस आर सी के फोल्डर में, पहले तो मैं इस एस आर सी को वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वी एस कोड में, बल्कि वी एस कोड में क्यों करूँगा, ये तो स्विफ्ट में ओपन होगा। वेल, तो मैं एस आर सी के फोल्डर में आने के बाद एल एस करता हूँ। देखो इसके अंदर एक पॉड फाइल है, हमारे पास क्या होती है पैकेज डॉट जेसन, इनके पास पॉड फाइल होती है। तो अगर मैं पॉड फाइल को यहाँ पे लिख के दिखाऊँ ना, तो कुछ इस तरह से ये लिखी हुई है पॉड फाइल, इस तरह से लिखी हुई है। इसमें जो डिपेंडेंसी है वो एक ही है, फायर बेस मैसेजिंग, एक ही डिपेंडेंसी है, और कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है चलाना, ये पॉड इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा, पॉड इंस्टॉल हो सकता है जब आप शुरू में चलाएं तो आपके पास एरर आ जाए, ठीक है, क्योंकि पॉड को भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। पॉड स्टैंड्स फॉर कोकोआ पॉड, तो आपको अगर पॉड इंस्टॉल में कोई एरर आ रहा है ना, तो कोकोआ पॉड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये कोकोआ पॉड आ गया आपके पास, ठीक है, ये ऐसे इंस्टॉल होता है, ठीक है, जैम से इंस्टॉल होता है। अब जैम क्या चीज़ है, जैम एक पैकेज मैनेजर है जैसे एन पी एम है, हाँ। अगर आपके पास जैम भी इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैम को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, ये विंडोज़ पे नहीं होगी, विंडोज़ पे इनमें से कोई स्टेप नहीं होगा, जो आईफोन के जितने भी स्टेप्स बता रहा हूँ उनमें से कोई भी नहीं होगा। ना कोकोआ पॉड विंडोज़ में है, ना जैम है विंडोज़ में, ना एक्स कोड होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मैक पे होगा, नहीं लिनक्स पे भी नहीं होगा, ये सिर्फ मैक पे होगा। हाँ सही है, इंस्टॉल जैम पैकेज मैनेजर में अगर लिखूँगा ना यहाँ पे, मैं जस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि वो आपको आइडिया हो जाएगा यार इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जैम आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, जैम क्या चीज़ है, जैम भी एक पैकेज मैनेजर है जो कि रूबी के साथ इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम नॉट जेएस इंस्टॉल करते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर क्या होता है, एन पी एम। जैम जो है, जब रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब वो इंस्टॉल करते हो आप अपनी मशीन पर, तो जैम उसके साथ बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये रूबी का पैकेज मैनेजर है, तो जैम इंस्टॉल हो गया रूबी इंस्टॉल करने से। उसके बाद जैम के ज़रिए आपने क्या इंस्टॉल करना है, कोकोआ पॉड, और फिर कोकोआ पॉड पे क्या चलाना है, पॉड इंस्टॉल एंटर, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, तो इसलिए मेरे पास एरर नहीं आया, अदरवाइज़ अगर एरर आता है तो वो चीज़ें सारी इंस्टॉल करनी होंगी, ठीक है। ये डाउनलोडिंग डिपेंडेंसीज हो रहा है अभी, ठीक है। तो हम जब तक ये डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज है, हम आगे का स्टेप पढ़ते हैं कि आगे का स्टेप क्या है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है ना कि अगर पॉड इंस्टॉल आपका ना चले ना, तो आप क्या करें, ब्रू से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रू एक पैकेज मैनेजर है जो मैक के बहुत सारी चीज़ें ब्रू से इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। जैसे अभी तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, जैसे गूगल क्रोम है वो ब्रू से भी, गूगल क्रोम जैसे सॉफ्टवेयर जो है, या वी एस कोड वगैरह जो, वो ब्रू से भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। पैकेज मैनेजर्स हैं ये बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत घूम रहे हैं। तो ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, एक्स सी वर्क स्पेस जो है, एक्स सी वर्क स्पेस मतलब एक्स कोड वर्क स्पेस। एक्स कोड एक स्पेशल आई डी ई है, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, आई डी ई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो मैक मशीन्स के लिए बनाया गया है, विंडोज़ पे ये मौजूद नहीं होता। तो काइंड ऑफ वी एस कोड लगेगा आपको, लेकिन वी एस कोड जस्ट टेक्स्ट एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर के अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। तो इस फाइल को हमने ओपन करना है, इस फाइल को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्स कोड में ओपन होगा।
अच्छा ये अभी तक चल रहा है, इंस्टॉलेशन हो रही है, कंप्लीट हो गया इंस्टॉल। अच्छा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया, इस टर्मिनल को बंद कर दिया, और टर्मिनल को बंद करने के बाद ज़रा आप देखें यहाँ पे गौर करें तो ये एक्स सी वर्क स्पेस वाली जो फाइल है ना, इसको मैंने ओपन कर देना है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे आप देखें एक्स कोड ओपन हुआ है, ठीक है, ये एक्स कोड ओपन हुआ है मेरे पास, और पता नहीं ये काफ़ी दिन बाद ओपन हुआ तो कुछ इंस्टॉल का बोल रहा है, इंस्टॉलिंग एडिशनल कंपोनेंट्स। इसमें छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती हैं काइंड ऑफ, तो वो कुछ हुआ होगा, काफ़ी दिन बाद मैंने खोला इसलिए ये शो हुआ है शायद। पता नहीं ये, अच्छा अरे भाई एक मिनट, दोबारा से इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या कह रही है, ई कॉम वर्क स्पेस डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, आर यू श्योर टू वांट टू ओपन, यस आई एम श्योर। तो ये भाई ओपन हो गया मेरे पास। अच्छा ओपन होने के बाद अब अगला स्टेप मैंने क्या करना है, कह रहा है क्लिक कर दो भाई प्ले के बटन पर, तो ये क्या करेगा, आपके पास जो भी डिवाइस मौजूद है उसके ऊपर ये, इससे पहले मैं कुछ पुरानी चीज़ें बंद कर दूँ इससे पहले कि इसका दम निकल जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ कोड वगैरह जो भी इसने लिख के दिया ना वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो इसने कहा भाई आप प्ले का बटन दबा दो सीधा। प्ले का बटन जैसे ही मैंने दबाया तो ये बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है, ये बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होते ही फिर कंप्लीट होते ही ना इस कंप्यूटर के अंदर इमुलेटर ओपन करेगा ये आईफोन का, और उसके ऊपर उसको चला देगा मोस्ट प्रोबेबली, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है ये बिल्डिंग अभी तक चल रहा है। अच्छा ये बिल्ड कंप्लीट हो गया और ये इसने इमुलेटर लॉन्च कर दिया है आईफोन 14 का मेरे पास, सही है, ये इमुलेटर लॉन्च हो गया। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है ना एंड्रॉइड से, थोड़ा सा डिफरेंट है आईफोन में, इन्होंने ऐसी लिमिटेशंस लगाई हुई है ना कि आप स्टोर के अलावा कहीं से भी ऐप इंस्टॉल इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे एपीके भेज देते हैं ना हम एंड्रॉइड में, तो वो इन्होंने ऑफिशियली बंद किया हुआ, वो आप नहीं कर सकते। इसमें टेस्टिंग के लिए अगर देना है ना किसी को, तो उसके लिए टेस्ट फ्लाइट करके एक इनका पूरा प्रोग्राम है, पूरा पोर्टल है, तो टेस्ट फ्लाइट पे आपको देना पड़ता है। अच्छा इनका डेवलपर अकाउंट होता है वो भी आपको रिक्वायर्ड होता है टेस्ट फ्लाइट पे देने के लिए, तो टेस्ट फ्लाइट पे आपकी ईमेल डालूंगा मैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको शो होने लग जाएगी टेस्ट फ्लाइट की ऐप के अंदर, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करोगे, सही है। तो इस तरह से कुछ कहानी चलती है। और दूसरा ये कि जो पब्लिश होगा ना ये, वो इसी से होगा एक्स कोड के जरिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया था ये जस्ट टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो जब इसके अंदर ही देखो मैं पब्लिश कर रहा हूँ ना, तो यहीं पे ही मेरे पास ऑप्शन होगा पब्लिश करने का, ठीक है। वेल यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सबमिशन का एक ऑप्शन आ रहा होता है पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे से जाके मैं उसको सबमिट करूँगा और फिर रिव्यू होगा ये, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, $100 का अकाउंट चाहिए होगा। एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर का अकाउंट है वो $25 का है, इनका जो है वो $100 का है, और एंड्रॉइड का जो $25 का अकाउंट है वो हमेशा के लिए, ये सालाना $100 है, ठीक है। अब अगर आप एक दफ़ा आप 100 देते हो तो साल बाद ख़त्म हो जाता है वो, फिर साल बाद वो रीन्यू होता है। तो पॉइंट ये है कि अभी ये मेरी ऐप इस पर लॉन्च हो चुकी है, और ऐप मेरी क्या हो चुकी है, चल चुकी है, ठीक है भाई। और इसको मैं जब अगर बंद करता हूँ ना, तो मेरी ऐप कुछ इस तरह से आईफोन के मेन्यू पर नज़र आ रही है, ठीक है। और ये मैंने इस ऐप को बंद कर दिया, ये मैंने दोबारा खोला तो ये चल पड़ा।
ठीक है, इसका सर्वर क्योंकि डिसकनेक्टेड है इस वक्त तो ये चलेगी तो नहीं, क्योंकि हम सर्वर डिसकनेक्ट करके सारे काम कर रहे थे, तो वेल चला के देखते हैं इसको क्या होता है। सबमिट किया मैंने तो वो एरर ही आएगा कुछ ना कुछ वेल। ठीक है, तो ये हमारा ना PWA बन गया, तो इसको मैं कर देता हूँ वापस से बंद, और इसको भी मैं कर देता हूँ वापस से बंद। और हमने इसका वो क्या किया था उसके साथ ज़रा वो भी देख लेते हैं ना, इसके इसके सर्वर का हमने क्या किया हुआ था फिलहाल के लिए। src app.js। अच्छा, इसका सर्वर जो है लोकल होस्ट 5001 है हमारा फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको हमने सर्च वगैरह पे डिप्लॉय नहीं किया हुआ, तो जब इसके ऊपर वो जो कंडीशनल URL है वो लगेगा, और साथ में जो है ना सर्च पे डिप्लॉय होगा, और सॉरी सर्च पे कह रहा हूँ साइक्लिक पे सर्वर इसका डिप्लॉय होगा, तो ये फिर ठीक चलने लग जाएगा। तो आप सब लोगों ने जाके क्या करना है, एटलीस्ट एंड्रॉयड के ऊपर अपनी ऐप को चलाना है, जो भी आपकी ऐप है, जो क्रैड ऑपरेशन यही वाली इसी को ही चला लेना जो क्रैड ऑपरेशन है, ये तो सब लोगों ने कर लिया होगा ना अब तक। तो ये क्रैड ऑपरेशन वाली जो ऐप है ये आपके फ़ोन पे एज अ PWA भी हो, ठीक है, आपके फ़ोन में आपके ऐप में दोनों ऑप्शन हो, एज अ PWA भी हो कि कोई ब्राउज़र पे खोले तो वहाँ भी इंस्टॉल का बटन आ रहा हो और वहाँ पे भी प्रॉपर चले, ठीक है, और आपके पास APK के तौर पे भी इंस्टॉल होना चाहिए, दोनों तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है भाई। एक कंपनी होती है ना, वो हर जगह उसको अपनी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ना, तो आप इमेजिन करें PWA से आपने कितने प्लेटफॉर्म को टारगेट कर लिया। नंबर एक वेब जो ब्राउज़र पे चलता है, वेब और मोबाइल जो ब्राउज़र है दोनों, उसके अलावा डेस्कटॉप पे इंस्टॉलेशन, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो रहा है, मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज़ पे, तीनों पे इंस्टॉल हो रहा है एक साथ और एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 3 डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये 5 हो गया मिला के। उसके बाद मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है दोनों प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉयड iOS 7 हो गए भाई, एंड्रॉयड पे या iOS पे अगर मैं गूगल क्रोम पे खोलूँगा तो इंस्टॉल का बटन आ जाता है, तो ये दोनों 7 हो गए। उसके अलावा प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाएगा 8, आईफोन के स्टोर पे पब्लिश हो जाएगा 9, और एज अ एडिशनल के विंडोज़ फ़ोन वगैरह के भी अगर आपको भेजना हो ना तो वहाँ पर भी हो जाएगा, तो 10। तो ये जो आज हमने PWA को कंप्लीट किया, एक्चुअली हम इससे 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं विद अ सिंगल कोड बेस। और नोटिफिकेशन हमने कवर नहीं किया, नोटिफिकेशन आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, Firebase नोटिफिकेशन के ज़रिए आप इसमें फ्री नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं PWA में, वो आपने खुद से वंस आपका ये कंप्लीट हो जाए ना पूरा, चलने लग जाए एंड्रॉयड के ऊपर और आपके डेस्कटॉप के इंस्टॉलेशन के ऊपर क्रड ऑपरेशन पूरा प्रॉपर काम कर रहा हो, तो फिर आपने नोटिफिकेशन को एक्सप्लोर करना है कि वो कैसे होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि वो होगा कैसे, एक एडिशनल छोटा सा कोड है उसका, और फायरबेस मैसेजिंग जो है आपका वो फ्री है, वहाँ से आप मैसेज भेजेंगे इधर पहुँचेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, क्लास कोड जी दोस्त। अच्छा, एक मैंने वैसे गड़बड़ की है, एक मैंने गड़बड़ ये की है कि मैंने इसको अलग फोल्डर नहीं बनाया था इसका ना, PWA का मैंने अलग फोल्डर बनाना चाहिए था मुझे। हाँ, APK तो तुम लोग खुद जनरेट करोगे ना बच्चा, तो मैं खैर इसका अलग फोल्डर बना रहा हूँ अभी, अलग फोल्डर में बनाता हूँ इसका 7 और PWA। इसका मैं नाम रख देता हूँ 7 और
PWA सही है, ये मैंने नाम रख दिया इसका, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ। राइट अच्छा, ये अब 6 नंबर फोल्डर जो था हमारा, इसमें वो 6 नंबर वाला कंटेंट कैसे वापस लाया जाए? कंट्रोल जेड से नहीं होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, वो मेरे पास उसका तरीका है। स्मार्ट ग्रिड ठीक हो गया, स्मार्ट ग्रिड के अलावा भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है। बस मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बस बड़ी बात है, फिर रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा ये। बहुत ब्राइट हो रहा है ये, इसकी रोशनी उसने ले ली है सारी। अच्छा वो कौन सा था मेरा रिपोजिटरी, यहाँ पर था ना, इसका नाम क्या है, बैज 8 ना, नाम देखने आया था मैं यहाँ। अच्छा बैज 8, बैज 8 यहाँ पे ये खुला हुआ है ना, बैज 8। अच्छा तो ये बैज 8 पे जाके ना मैंने क्या किया, अरे यार मैसेज भी तो मैंने ऐसे डाले हुए हैं ना, क्लास कोड वाले। नहीं नहीं मैं अभी दूसरा तरीका करता हूँ, इसमें लॉग्स देखता हूँ ना, इसके लॉग्स, लॉग्स क्यों नहीं आ रहे लॉग्स, वाई। हाँ पूछो, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। लॉग्स में ही चला जाता हूँ, यहाँ तो सही दिख रहा ही नहीं है। अच्छा ये देख रहे हो, ये मुझे ना हर कमेंट में दिखा रहा है कि कौन सी फाइलें चेंज हुई हैं, ये फाइल्स हैं। फाइव रिएक्ट, फाइव फाइव, अच्छा अच्छा वो फाइव रिएक्ट एक्चुअली उसके अंदर भी एक फोल्डर है ना। सिक्स ये जो फाइल है एसेट डॉट लिंक, ये मैंने लास्ट क्लास में ऐड की थी राइट, ये भी लास्ट क्लास में की थी। ये मैंने करंट ऑपरेशन इस वाले में किया था, तो इसका मतलब है कि ये अगर मैं इस वाले पे चेकआउट कर जाऊं तो मेरे पास कौन सा वाला कोड आ जाएगा। मैं हिस्ट्री में कहां आ गया, पीछे आ गया। सही है, मैं हिस्ट्री में पीछे आ गया, जिसमें मेरे पास, अच्छा फाइव वाले पे आ गया मैं, मुझे सॉरी सिक्स वाले पे आ गया ना, सही है। तो अभी जो ये सिक्स वाली चल रही है ना ऐप, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा PWA से रिलेटेड, ये बिल्कुल सादा ऐप होगी। सही है, तो मैं इस सिक्स वाले का क्या करूँगा, एक कॉपी बना लूँगा। ये मैं हिस्ट्री में पीछे जाके ना एक फोल्डर अलग कर रहा हूँ उसमें से, एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ। सही है, अब मैंने फोल्डर अलग कर लिया, अब मैं वापस मेन वर्किंग ट्री पे चला जाऊँगा। मेन वर्किंग ट्री मतलब मास्टर ट्री। चेकआउट टू मास्टर कैसे होगा, यहाँ से होगा। ठीक है मैं ऑरिजिन पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सिक्स वाला फोल्डर था इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और डिलीट करके ये वाला अंदर रख दूंगा इसको। सही है, समझ में तो नहीं आया होगा कि क्या हुआ है, लेकिन
कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। अच्छा ये मेरा VS कोड जो है ना हैंग हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। सही है, अब इसको होश आया कि क्या हुआ। तो अब आप इस वेब के फोल्डर में से देखेंगे वो चीज़ें माइनस हो गई हैं जो जो मेरे पास नहीं थी पहले। ये 7 अनट्रैक कैसे हो गया है? सेवन को तो मैंने पुश कर दिया था, 7 अनट्रैक कैसे हो गया? एक मिनट गिटहब में जाके देखता हूँ ना 7 का क्या सीन है। सेवन यहाँ पे पुश हुआ है कि नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ। 7 तो यहाँ पुश हो चुका है। हाँ नहीं नहीं 7 पुश हो चुका है ये, असल में ना इसको अभी तक मुझे लग रहा है होश नहीं आया VS कोड को। वेल मैं उधर से करूँगा ही नहीं, मैं यहाँ से कर दूँगा। सही है, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है इसको। ठीक है, VS कोड को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, तो VS कोड को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा वेल अभी हमारे पास क्या हो चुका है, ये जो 6 फोल्डर था ना, इसके अंदर से PWA की सारी चीज़ें रिमूव कर दी है मैंने, उसमें सिर्फ CRUD ऑपरेशन तक का काम है। PWA वाला फोल्डर बिल्कुल अलग है, और अभी आज का जो कोड है ना PWA का वो इसके अंदर है, राइट। अगर आप इसके अंदर SRC में जाके देखेंगे, सॉरी SRC कह रहा हूँ, पब्लिक के में जाके देखेंगे तो ये वेल नोन वगैरह एवरीथिंग आपको यहाँ मिलेगा। ये 6 वाले से मैंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। 6 वाला क्या है, जो इसका नाम है इस फोल्डर का, जस्ट उसके अंदर वही वाला काम है। PWA मैंने बगैर नया फोल्डर बनाया शुरू कर दिया था, तो वो मैंने अभी अपनी गलती को सुधार लिया है। 6 के अंदर PWA का कोई काम नहीं है, वो 7 वाले के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सबके मोबाइल में ये CRUD ऑपरेशन वाली ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए।